अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप तमामी हजरात, मेरे तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे नुस्खों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं यूँ तो रोज़ाना तरह तरह के नुस्खे जात मुजद्दिबात लेके आता हूँ। इंशाल्लाह आज हम मर्दाना ताकत को बढ़ाने का एक ख़ास नुस्खा लेके आए हैं। आप उसको इस्तेमाल करें और ज़रूर इस्तेमाल करें, और आप ख़ुद नहीं बना सकते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपकी तसल्ली हो जाएगी। जो बंदे कहते हैं ना टाइमिंग कम है, मर्दाना ताकत की कमी आ चुकी है, पावर नहीं हो रही है, स्टैंडिंग कम हो चुकी है, ठीक है, या उनकी जो है नसें कमज़ोर हो चुकी हैं वगैरह वगैरह शिकायतें करते हैं, उनके लिए बहुत ख़ास है। और जिन्होंने हस्त मैथुन किया है उनके लिए और भी ज़्यादा ख़ास है। मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल पर। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपको नुस्खा बताऊं, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाएँ ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, हस्त मैथुन करने की वजह से अगर वाकई आपके अंदर कमज़ोरियाँ आई हैं, जैसे नसों का कमज़ोर होना, पट्ठों का कमज़ोर होना, ठीक है, या आज़ू ख़ास में बहुत 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 ज़्यादा लूज़पन हो जाना, ये दिक्कतें आम तौर पर आ जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर आपकी सेक्स पावर कम हो चुकी है, दिल नहीं करता सेक्स करने के लिए, या आप अपने पार्टनर को अच्छे से खुश नहीं कर पाते, तो फिर आप मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको लेना क्या है, गाजर के बीज 10 ग्राम, गाजर के बीज 10 ग्राम, मूली के बीज 10 ग्राम, प्याज के बीज 10 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, तुख्मे रिहान 20 ग्राम, ठीक है, तुख्मे रिहान 20 ग्राम, बादाम की गिरी 10 ग्राम, और आपको इसमें खरबूजे की गिरी 10 ग्राम, ठीक है दोस्तों, अखरोट की गिरी 10 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, जावित्री 3 ग्राम, लौंग 3 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 20 ग्राम, अकड़करहा 20 ग्राम, और सालक पंजा 50 ग्राम, रेगमाही 50 ग्राम, और कुश्ता कलई 15 ग्राम, बरगे भांग 17 ग्राम, और शहद खालिस तमाम अदविया के वज़न के बराबर ले लें। उसके बाद तमाम अदविया को कूट लें, पीस लें बारीक करके अच्छे से, ठीक है, जब कूट पीस के तैयार कर लें आप तो अच्छे से महफूज करके रख लें। और जो माजून बनाने का तरीका मैंने बहुत सारी कई सौ वीडियो में बताया हुआ, मैंने कई सौ की बात करूँ, एक दो वीडियो नहीं, कई सौ वीडियो में मैंने बहुत मुफस्सल अंदाज में मैंने बताया है कि माजून किस तरह से बनाया जाता है, इसकी बनाने की तरकीब क्या है, उसी तरह से बनाइए। अगर आपसे नहीं बनाना आता तो आप वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर वीडियो में तरीका बताना मुनासिब भी नहीं है और ज़्यादा वीडियो लंबी करना भी मकसद नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आप माजून बना लें, बस ये आपका स्पेशली माजून हो गया। आपको करना क्या है, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाना है, फिर आप देखें मर्दाना ताकत की लहरें आपके अंदर कैसे दौड़ती हैं। दोस्तों, ये टाइमिंग को बढ़ाएगा, तनाव पैदा करेगा, पट्ठों को मजबूत करेगा, वीर्य को गाढ़ा करेगा और सेक्स पावर को बढ़ाएगा। आपका दिल नहीं करता है तो आपकी इच्छा को बढ़ाएगा, ठीक है, और ये एक बार के बाद इसमें एक खासियत है कि दोबारा आपको एकदम तुरंत तैयार कर देता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।